हाँ जी बोलिए मैम, गुड इवनिंग। पेटीएम पोस्टपेड, जी पेटीएम पोस्टपेड के ब्याज सर इनकी बात कर रही हूँ। आपसे मॉर्निंग में बात हुई थी ना सर, आपने बोला था पार्सल अमाउंट पेड कर देंगे 1000 का। हाँ मैम बिल्कुल, मैंने बोला था मैम आपको पे कर दूंगा, लेकिन पैसा नहीं है मैम। ये तो सर आपकी प्रॉब्लम है ना, पैसा नहीं, ऐसा होता ही नहीं कि पॉसिबल ही नहीं है सर कि पैसा नहीं है। मैंने आपको मैम ये बोला था मैं शाम तक कोशिश करूँगा करने की, मैंने ये नहीं बोला था आपको कि मैं कर ही दूंगा। ठीक है, तो मैं आपका केजुअल लीगल लीगल प्रोसीडिंग के लिए ऐसा भी है मैम, आप लीगल में डालो, सर जहाँ आप मर्जी डालना वहाँ डालो, मेरी कंडीशन बहुत ख़राब है, लेकिन मैं मना नहीं कर रहा हूँ पे करने के लिए, अभी मेरे को पैसा नहीं है, मैंने बोला हुआ पे है। भी नहीं कर रहे ना सर, तो आप इसमें लीगल में मैं डालो, नहीं जहाँ कर मर्जी सकती डालो, सर। मुझे अंदर कराओ, जो मर्जी कराना है, सिविल का केस करो, जो करना है। अंदर बोला आपको कराने के लिए सर, मैंने तो नहीं बोला आपको अंदर मैंने कराने तो के लिए मैम सर। आपको ये बोला है, अभी पैसा नहीं है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है, ठीक है। सवेरे मैंने आपसे बात की थी, मेरे को मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए, शाम तक मैं कोशिश करूँगा, लेकिन आपने माना ही नहीं। आप लीगल में डालने की धमकी दे रहे हैं, फिर आप डाल दो, फिर क्या है। सर ये धमकी दी मैंने आपको, ऐसा जो इन्फॉर्मेशन है वही बताइए सर। मैंने हाँ तो इतना आपको बोला, मैंने बोला सर आपका केस लीगल में फॉरवर्ड हो जाएगा, उसके बाद जिम्मेदार आप होंगे। धमकी देना कैसे बोलते हैं सर, जो प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग ही आपको बोला है ना, वो आपको लीगल में, समझने का तो तरीका है। लीगल में धमकी डालने के बारे में बात कर रहे हो ना आप, लीगल में डालने से क्या होगा ये बताओ। एक तो तो ऑब्वियसली कोर्ट, जाएगा ही सर। देखिए आप भी, नहीं आपको कब से कॉल आ रही है, तो हम क्या, हम कुछ नहीं कर सकते आप सर, मेरी बात, क्योंकि आप पेन। आप मेरी जी बात पहले बोलिए सर। सुनिए, देखिए लीगल में डालने से क्या होगा ये बताओ आप, है क्या हो जाएगा। एक तो मेरा स्कोर पहले खराब कर दिया आपने, ठीक है। दूसरा ऊपर से परेशान कर, मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हो। हमने खराब किया आपका, मैंने बोला है पैसा नहीं है, अभी बहुत ज्यादा कंडीशन खराब है, जब होगा तो 31 तारीख वो से तो पहले हम मैं कर दूंगा, ठीक है। फिर आप प्रॉब्लम समझ नहीं रहे हो, तो सर हम समझ रहे हैं। आप देखिए कंपनी को ट्रस्ट नहीं होगा ना, वो कंपनी तो को तो, आपको भी पता है ना। कंपनी को तो मैं फिर भी ट्रस्ट नहीं होगा ना उनका, अगर पूरी पेमेंट कर दूं मैं, ट्रस्ट तो उनको फिर भी नहीं होगा, फिर भी कौन सा हो, मेरे को दोबारा पैसा देंगे क्या, दोबारा लिमिट देंगे, बात कर रहे हो आप। ठीक है सर, आप कॉल रिसीव कर दीजिए, कोई इश्यू नहीं, मैं आपका केस आगे फॉरवर्ड करें, कंफर्मेशन आपको मैसेज आ जाएगा, जितनी भी कॉल रिकॉर्डिंग हुई है आपके सबमिट किए जा रहे हैं। ठीक है सर, देखिए इसके लिए मैम, आपको कोई मैंने दिक्कत नहीं, मैंने जो मैम कंपनी प्रोसेस है वही फॉलो करें। पेमेंट करने के लिए मैम मैंने मना नहीं किया है, मैं बोल रहा हूँ अभी मेरा पैसा नहीं है, 31 तारीख से पहले मैं कर दूंगा, ठीक सर है। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, एज अ मैंने कंपनी आपको, प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग हम मैं बोल ये रहे नहीं हैं। बोल रहा हूँ मैम कि मैं कोई मुकर रहा हूँ पेमेंट, मुझे पता है मैंने लिया है पैसा, मुझे प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ी इस पैसे को लेके, मैं दूंगा, देना पड़ता है, मैं तो विद इंटरेस्ट पे करने के लिए ऑब्वियसली रेडी हूँ, सर पेड कर, ठीक है। ऑब्वियसली आप पेड ही करोगे सर, नहीं करोगे इकतीस तो तारीख फिर जाके लोग देखो ना, बोलेंगे। सुनो अभी एक दो महीने की बात है, 1-2 महीने में इंटरेस्ट लगता है आपका कितना, 2-3 हज़ार और इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, मैं तो पूरा पे करने के लिए एक साथ रेडी हूँ, थोड़ा तो ट्रस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा तो आपको वेट करना पड़ेगा ना मैम, ये थोड़ी नहीं एकदम से भाई। सर तो आप भी देखो, हम ट्रस्ट कैसे करें, आप कब से बोल रहे हो हम चलो ट्रस्ट ही ट्रस्ट करने मत वाले करो, थे ना ट्रस्ट मत करो, थोड़ा वेट तो करो ना मैम, मैं जब सर, आपको, जब कितना वेट करें। कस्टमर जब आपको पूरा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट सब कुछ दे रहा है, सब कुछ पे करने के लिए बोल रहा है खुद, ठीक है ना। इसमें सर देखिए आपका ही बेनिफिट के लिए बोल रहे हैं, हमें कौन सा की वो है कि ऐसा आपका है ना जो मैम, थोड़ा सिबल हम देख सकते मेरा हैं। बेनिफिट छोड़ दो ना, मेरा बेनिफिट तो मैम हो गया, मेरा तो स्कोर खराब हो गया, मेरा बेनिफिट तो गया, लेकिन ये कि अब थोड़ा सा इसको पे करने के बाद ना मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा ताकि मेरा स्कोर ठीक हो जाए, ठीक है। थोड़ा समझो ना मैम, थोड़ी दिक्कत, थोड़ी कस्टमर की थोड़ी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। सर हाँ जी मैं समझ रही हूँ, ठीक है, अब आप समझिए कंपनी के रूल्स है वो तो। मैंने बोला है मैम आपको 31 तारीख तक का वेट करो, 31 तारीख अगर मैं पे नहीं करता हूँ, फिर आपने लीगल में डालना, जहाँ मर्जी जो मर्जी मेरे खिलाफ इंगेज करना कर सकते हो आप। वो सर हम नहीं चाहते हैं कि आपके घर पे टीम आए, हाँ जी हाँ जी रेपुटेशन खराब हो, हाँ हम जी हाँ जी चाहेंगे कि कस्टमर के घर पे जाए पैसा लेने के लिए, फिर पड़ोसियों को पता चले, हम नहीं चाहते ना सर। वो तो मैं आपकी बात समझता हूँ ना मैम, वो तो मैं समझता हूँ, नहीं चाहते हो आप भी क्योंकि चाहते हो मैं, कि आपके साथ भी, आपका भी हमारे साथ जो रिलेशनशिप है वो बना रहे, कस्टमर का हाँ कंपनी जी से बना हाँ रहे, जी तो मैम थोड़ी प्रॉब्लम भी आती है ना कस्टमर को, वो भी समझनी चाहिए होती है आप, मुझे पता है ठीक मैम, है, आप लेकिन 31 तारीख तक का बोल रहे हो पे करने के लिए। मैं विद इंटरेस्ट पूरा जितना भी बनता है ना, ये 18 हज़ार हो जाएगा, 19 हज़ार हो जाएगा, मैं पूरा पे कर दूंगा इसको एक साथ ही, एक ही इंस्टॉलमेंट में इसको अभी सारा। आप 31 को पे करोगे, 31 को तो मैम शायद से नहीं मैम, पता क्या है, मैं पूरा पे करूंगा इसको एक साथ ही। हेलो,